एवरीबॉडी, वेलकम टू द पीजी लॉक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम घर पे बैठे बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। और ये मत सोचिएगा जस्ट बिकॉज मैंने थंबनेल बना दिया, मैंने टाइटल बना दिया, मैं ऐसे ही आपको कुछ भी बोल दूंगी। इस वीडियो में आपको जेन्युइन और इफेक्टिव वेज मिलेंगे जिनके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर्स कौन होते हैं? फ्रीलांसर्स बेसिकली वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी कंपनी से टाइड अप नहीं होते, लेकिन वो पर प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं। कंपनी उनको कोई प्रोजेक्ट देती है, वो डेडलाइन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उसके लिए उनको पैसा मिलता है। यही फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री 2025 तक 20 से 30 बिलियन डॉलर तक की हो जाएगी। आप उसका स्कोप सोचिए। और लॉकडाउन के बाद ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाला है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में सिर्फ जॉब्स किसी एक टाइप की नहीं होती। आप डेटा एंट्री कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉब होती है, जिसमें बेसिकली आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर किसी भी हाईली सिक्योर फाइलिंग सिस्टम में आपको डेटा एंटर करना होता है। ऐसी बहुत सी ब्रांड्स एंड कंपनीज होती हैं जो रेगुलरली अच्छे कंटेंट राइटर्स की तलाश में होते हैं। उनको बेसिकली कोई ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए होता है जो उनके कंपनी के एजेंडा, उनका मोटो लोगों तक पहुंचा सके। और ऐसे ही बहुत सी जॉब्स होती हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, पिक्चर्स एडिटिंग। अगर आपने कभी अपने दोस्तों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्या आपने कभी उनके लिए बर्थडे पे फोटो एडिट्स की हैं, वीडियो एडिट्स की हैं? अगर की हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो आप एडिटिंग करते हैं ना, इसके लिए भी लोगों को पैसा मिलता है। इफ़ यू नो देन यू गॉट इट। तमे केम छो? आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से हिंदी से गुजराती में कैसे आ गई। स्कोप है। ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हिट 1.5 बिलियन डॉलर बाय 2024। 17% तक की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो सकती है 2026 तक ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स तक के लिए। ऐसे बहुत से ब्रांड्स, बहुत सी कंपनीज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना कंटेंट दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप में वो स्किल है, अगर आप में ऐसी कोई भी रीजनल लैंग्वेज वाली स्किल है या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जिस पर आपका अच्छा कमांड है, देन दिस इज फॉर यू। अगर अभी तक ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब तीसरे वे की तरफ चलते हैं, जो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री 2015 से 96 मिलियन डॉलर से 835 मिलियन डॉलर की हो जाएगी 2025 तक। एट प्रेजेंट अफिलिएट मार्केटिंग 10 से 15% तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू डिजिटल सेल्स। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग होती है जिसमें जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो अफिलिएट्स यानी कि ब्लॉगर्स के साथ पार्टनर करते हैं उनकी सर्विसेज और उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़न पे भी कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, एक सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर बनने के लिए आपको किसी कॉलेज डिग्री या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, वो आपकी पॉडकास्टिंग वेबसाइट हो या फिर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, जिस पे आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओ और लोगों के ब्रांड्स को प्रमोट कर पाओ। चौथा वे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजाइजेशन। इस पे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हम अलग अलग वेज के थ्रू सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं, वो वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस वे में बेसिकली अगर बाकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 5 से 10% है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 30 से 40% है। ऐसे बहुत से ब्रांड्स, बहुत से कंपनीज होते हैं जिनको अपना कंटेंट राइट ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। ऑनलाइन व्यूअर्स का जहां अटेंशन एक तरफ गिर रहा है, वहां पे दूसरी तरफ कंपटीशन बढ़ रहा है। इसके लिए ऐसी बहुत सी ब्रांड्स हैं जो ऐसे लोगों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं जो बेसिकली उनके कंटेंट को एनालाइज करेगा और उनकी ऑडियंस को भी एनालाइज करेगा और उनके ब्रांड को, उनकी सर्विसेज को राइट ऑडियंस तक पहुंचा पाए। फिफ्थ एंड द लास्ट वे, स्टॉक मार्केट्स। हर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, बट लेट मी टेल यू, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सिंपल है लेकिन आसान नहीं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए अगर आपको एक तरफ डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो फिर दूसरी तरफ आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आप में रिसर्च एबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो यहाँ है आपका बोनस टिप। फर्स्ट, डू योर होमवर्क। आपको सिर्फ नंबर्स देखकर जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको हर कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करना है और उसको एनालाइज करना है। सेकंड, अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर बस इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके दोस्त कह रहे हैं या फिर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है। थर्ड, इन्वेस्ट ओनली सरप्लस फंड्स।
आपको सिर्फ उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करना है जिसकी ज़रूरत आपको शॉर्ट टर्म में या फिर मीडियम टर्म में ना हो। लास्टली, आप अगर इधर तक आए हैं तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आए, आपने इस वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा।